जैसा की तरह आज फिर हमारा अचानक प्रोग्राम बने कलाम जाने का, और इन्होंने फिर मुझे अगवा कर लिया हमेशा की तरह, और चांद भाई को हमने अगवा कर लिया हमेशा की तरह, और अब हम जा रहे हैं, और ये वीडियोग्राफर हमारा इतना बेवकूफ है कि इसको पता ही नहीं कि फ्लैश ऑन कर चार दिन। आज हमने फिर एक प्रोग्राम बनाया कलाम का अचानक से, चार बंदे निकले हैं, चांद भाई को साथ अगवा किया, वसीम भाई आए हैं लाहौर से इनके लिए, तो इस वक्त हम चार बाग के मुकाम पे मौजूद हैं, पौधा खेला जा रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी हमारे साथ रहिएगा, बिस्तरे पूरियां लाओ नाल, मरासी पर सारे बाहर आ जाएंगे, ठंड बहुत ज्यादा है, उन्हें भरा रही कह रहे थे कि माइनस में आया 19 जी होते कि नहीं नहीं 15 5 तक चलो 5 5 चलो जाके देखने हैं। ये यखनी है, ये दिखाएं जी जरा भाई, आपका नाम क्या है? अकबर खान। ये इस वक्त हम खड़े हैं जी बहरीन में, लाइट आ गई है, ये देखें बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये बहरीन पुल क्रॉस करते हैं तो साथ ही ये होटल आ जाता है, इसका नाम है कोहिस्तान कॉन्टिनेंटल होटल, और उसके आगे ये लगाते हैं भाई, ठीक है। ये देखें ये बड़ा खूबसूरत जगह, इंतहाई शानदार व्यू है। अच्छा ये रोज़मर्रा की अशिया यहाँ पर करीब सब रेस्टोरेंट है, ये एक अच्छा रुकने का पॉइंट है कलाम जाते हुए। ये देखें जी ये हमारा सूप बन रहा है, और मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया इसको देख रहा हूँ, देखे मैं ये सूप एक प्याला मैंने पी लिया है, लेकिन वीडियो में नहीं आया था तो मैंने कहा दूसरा भी पी लेते, उन अल्लाह करे मेरा गला ना ख़राब हो जाए। आ जाओ सिंह भाई थोड़ा चख लो, आ जाओ। ये है इसमें अंडा, बहुत मज़ेदार और गर्म इंतहाई शानदार, ये देखो। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कलाम हनीमून होटल 8910 में, रेट इनका आज बहुत ज़्यादा है, 4000 रुपये मांग रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा नहीं है लेकिन रेट इनका ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सीज़न में इतना ऑफ सीज़न इतना रेट नहीं होता जितना इस तरफ। ये होटल बड़ा प्यारा है, यहाँ पर 2-3 दफ़ा मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है टाइम गुजारने का, बड़ी खूबसूरत जगह है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कोई अच्छा होटल अगर सस्ता मिल जाए तो। ये वसीम भाई, ये अजान मुँह से धुआं निकाल रहे, ठीक है। ये कलाम के बाज़ार में नाजरीन आए हैं, बर्फ़बारी और रात की वजह से सब कुछ बंद है तकरीबन, लेकिन ये रात में भी बैठे हुए हैं यासीन होटल एंड रेस्टोरेंट। ये ख़ास चौक पे है, ये रास्ता उशू फॉरेस्ट की तरफ जाता है, यही आगे मॉडर्न की तरफ भी जाता है, कंडोल की तरफ भी, जहाँ से आपको बारबेक्यू, चप्पल कबाब, नान, चाय, हर चीज़ मिल जाएगी। ये देखें जी बारबेक्यू पक रहा है, ये भाई चप्पल कबाब वाला है, ये फारी का तो मोबाइल के साथ लगाया, ये देख वो उधर नान लग रहे, ये मुख्तलिफ खाने कढ़ाई शढ़ाई, ये दाल माश गोश 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 बड़ा गोश निमड़म बड़ा गोश छोटा छोटा करके पकाया हुआ इन्होंने, दुम्मा मुम्मा ये सारा दुम्मा है। चाय एक नशा है, इतनी सर्दी में मिल जाए तो बात ही और है। चाय बहुत मजा आ रहा है, टेम्परेचर माइनस में है और बड़ा एंजॉय कर रहा है। देख लो ना बर्गर मिल गया, ये नसीबा दी गल है, हां किसी किसी ने मिल गया। अब हम आए हैं नाजरीन ये दरियाल होटल पे, ये बड़ा शानदार, ये देखें बड़ा खूबसूरत होटल है, इसके रिसेप्शन में अंदर चलते हैं, रिसेप्शन में नहीं बोला जा रहा, ठंड हो गई, तो चलते हैं अंदर देखते हैं क्या कहते हैं। ये थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर है, इस होटल में काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं माशाल्लाह, ये सेंटर जब आप अंदर आते हैं तो इस तरह कमरा तो खूबसूरत है, देखें आप किराया कितना बताते हैं भाई उस तरफ।
इन साहब ने फाइनल 5,000 किराया बताया। ये नाजरीन इंटर कॉन्टिनेंटल होटल है कलाम में, ये हमने इसमें कमरा ले लिया है, इसकी वीडियो आपको शेयर करते हैं इंशाल्लाह। पहले खाना खाते हैं। नाजरीन होटल हनीमून के बिल्कुल पास ये पिज़्ज़ा डिलाइट सवात है, ये इसकी एंट्रेंस है। ये बड़ी बेहतरीन जगह है, रोड के बिल्कुल ऊपर है, होटल रॉयल एजेंसी के सामने, ठीक है। ये देखिए इसकी एंट्रेंस है, ये देखिए। इंतहाई शानदार पिज़्ज़ा कलाम में बैठ के आपको मिल जाए, वो भी इतनी सर्दी में, और साथ कोक, और बिल बने सिर्फ 1470 रुपये। भैया ये क्या कर रहे हो? सर्दी -10 टेम्परेचर, बुरा हाल हो गया। कलाम में सर्दी और शानदार मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। और जब सुबह सुबह आप बाहर निकलते हैं मुंह से धुएं के साथ, तो ये आलम है जनाब बर्फ का और सर्दी का। ये देखिए जो पानी आ रहा था ना यहाँ से, वो भी रात में जम गया, इसीलिए नलकों में भी पानी जमा हुआ है और पानी नहीं है बिल्कुल, ये पाइप जमे हुए हैं सारे। जब पाइपों में पानी जम गया है तो इस चढ़ाई पर भी बर्फ बहुत ज़्यादा जम चुकी थी। जहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा रही थी तो मजबूरन हमें बांध के निकालनी पड़ी। ये रोड है ना, देखो जरा शदीद जमा हुआ है सारा, ये देखे सारी बर्फ ही बर्फ है। जी इस वक्त हम जा रहे हैं नाश्ता करने कलाम चौक के करीब, हम दरियाल होटल के करीब से गुजर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन बर्फ में थोड़े से एडवेंचर जरा ज्यादा होते हैं। कभी गाड़ी फंसती है, कभी ठंड ज्यादा लगती है, कभी पानी पाइपों में नहीं आता, तो ये चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों वसीम भाई एंजॉय कर रहे हैं आप? जी जी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया सर। सारे मरासी पुणे बाहर आ गए, जिन्हें पता कहीं मरा सब चल गया। लेकिन ये है कि रजाइयाँ और बिस्तर बहुत शानदार थे, नींद बहुत सुकून की आई है। गाड़ी में हीटर चल रहा है तो इस वक्त हम भी सुकून में है। बाहर एंड ठंड है, एंड मज़ेदार किस्म की सर्दी है, बर्दाश्त है बाहर। नाश्ता आ गया नाजरीन, बहुत शानदार आमलेट, ये पराठे गर्मा गर्म, चाय अभी नहीं आई आ जाती है। नाश्ता हमने कर लिया है, बाहर निकलते साथ फिर दिल किया थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। अब हम जा रहे हैं सामने कलाम की मस्जिद की तरफ, ये बिल्कुल सामने रास्ता जाता है, ये छोटा सा इस तरफ अंदर। नहीं बेटा नहीं लेना, नहीं लेना नहीं है, ये बच्चा गर्म अंडे बेच रहा है, लेकिन हमने अभी नाश्ता किया तो इसलिए मैंने इसको कहा कि हमने नहीं लेना। ये रास्ता इस तरफ जाता है, वो सामने तारीखी मस्जिद है कलाम की। रास्ता काफ़ी ख़राब हुआ है तो बड़ी एहतियात से चलना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे तक सारी बर्फ़ है, बिल्कुल जम चुकी है जिस पे माउस स्लिप होते हैं। ये देखें जी बेशरम प्रेशर कुकर सीटियां मार रहा है। ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये चल काफ़ी जगह इस तरह खूबसूरत। ये है जी दरियाए कलाम जो हमें बड़ी देर बाद नज़र आया है, ये देखें इसका भी एक अपना ही चस है। ये तारीखी मॉस्क है जी बिल्कुल सामने, और हम इसमें जा रहे हैं इंशाल्लाह। स्लीपिंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोग स्लिप हो रहे हैं यहाँ से। रास्ता इंतहाई ख़राब है जाने के लिए, जहाँ पे थोड़ी बर्फ़ सॉफ्ट है वो तो ठीक है, दूसरी जगह काफ़ी ख़राब है। उसके करीब हम पहुँच चुके हैं, ये गुलाम को बाज़ार है।
इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कलाम की तारीखी मस्जिद है, ये बहुत पुरानी, तकरीबन 350 से 400 साल पुरानी है। ये एक एक सतून इसका लकड़ी का है। ये यहाँ से स्टार्ट करें और वो एंड तक जो है ना, ये शतीर इसके सारे लकड़ी के, ये सारी लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी पे बड़ी शानदार मीनाकारी हुई है। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें, ये हाथ से नक्शोनगार इस पर किए गए हैं, तकरीबन 400 साल पहले की बात है। ये दरवाज़ा खोलते हैं जब इस तरह, तो ये मस्जिद है। अंदर से बहुत बेहतरीन खुशबू आती है लकड़ी की। ये ऊपर देखें, लंबे से लंबे सतून जो है सारी लकड़ी की बनी हुई है। ये इसका मेहराब है, ये सफ़े वगैरह, इसके अंदर भी पिलर हैं कुछ। इस तरह के सतून हैं जो शायद इतने मोटे आपने पहले ज़िंदगी में ना देखे हो। मैं आपको इसको भी दिखाता हूँ एक दफ़ा। ये देखें जी, ये लगता है कुछ तेजीन और राइश इसमें न्यू की गई है, अल्लाह जानता है इसकी क्या तारीख है, लेकिन बहुत शानदार। इंसान की अकल दंग रह जाती है कि लकड़ी से भी इस तरह का काम हो सकता है। ये पीछे लकड़ियां पड़ी हैं जलाने के लिए या किसी और इस्तेमाल के लिए। ये यहाँ पर हीटर का इंतज़ाम किया गया है। ये एक किस्म का हीटर भी है जो जगह भी गर्म रखता है, और ये ऊपर इसका गीज़र भी बना हुआ है देसी स्टाइल का, बड़ा सा, नमाजियों को गर्म पानी की सहूलत के लिए। ਤਾਇਓ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਗੁਲਾਬ ਕੀਤਾ ਏ, ਕੋਈ ਗਲਾਬੋ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਵੇ ਚਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਤਾਇਓ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਗੁਲਾਬ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਲਾਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ और ये आ रहा है इस तरफ से। ये देखें, ये दो पहाड़ों के दरमियान से बड़ा शानदार लश ग्रीन कलर का पानी है, बड़ी खूबसूरत जगह है।